करते हैं द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे कह रहा है कि पत्रकारिता का जन्म किस स्थान से हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कलकत्ता से, ठीक ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन का अगर आप जिक्र करते हैं, दूसरे क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कह रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के, ठीक ना, डॉट डॉट के लिए जाने जाते हैं, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, उपन्यास के लिए ये जाने जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है, तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अमृतलाल नागर, ठीक ना, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दूसरे चौथे क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। चौथा कह रहा है कि निबंधों के प्रमुख प्रकार में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सकारात्मक को सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी जो आपके तीन हैं वो क्या हैं, सम्मिलित हैं। चलिए अब आपके सामने जो है वो पांच नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमसे कह रहा है, एक पंक्ति दी गई है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहा है मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है, तो फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ये क्या है, ठीक ना, पंक्ति है या काव्य है आप कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा हल्दी घाटी 1937 से 1929 के बीच, ठीक ना, ईस्वी में काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है, तो यहाँ से सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे जी की, ठीक ना, ये काव्य है 1937 से, ठीक ना, 1939 के बीच। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का, ठीक ना, इसमें से वर्णन नहीं है तो ये आपको बताना है, जो आपका सेवन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औसत, ठीक ना, ये नहीं है, बाकी और सब हैं। चलिए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है, ठीक ना, तो यहाँ से आपको बताना है एट नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रहीम, ठीक ना, इस पंक्ति के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, नाइन नंबर और टेन नंबर आपके सामने हैं। चलिए बताइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना, कह रहे हैं परमोख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आपका क्या होगा, सत्यवती कथा, इसका राइट आंसर होगा। दस नंबर आपको बताना है केशो कहीं ना जाई का कहिए पंक्ति में, ठीक ना, रचनाकार हैं, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुलसीदास का इसमें, ठीक ना, जिक्र किया गया है। चलिए साहब 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है, ठीक ना, बताना है आपको, कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति वैर दिन राती, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, रैदास जी हैं इसके, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आधुनिक एकांकी के जनक माना जाता है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 का, ये सी हो जाएगा, राजकुमार वर्मा जी को, ठीक ना, माना जाता है। चलिए
आपका 13 और 14 नंबर आप लोग बताइएगा यहाँ से 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। छार उठाए लिहिन एक मुठी, दीन उड़ाई पीर थीम झूठी। तो इसका इस पंक्ति में ठीक ना बताना है आपको कि ये किसकी है। तो 13 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पद्मावत है। नाथ संप्रदाय में हट योग का अर्थ आपको बताना है ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का वो क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका हिडन है वो छुपा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी। कह रहे हैं कि है का जो अर्थ है वो सूर्य है और ठा का जो अर्थ है वो चंद्र है, दोनों का योग है। चलिए बहुत बढ़िया, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ठीक ना। 15 नंबर आपको बताना है ब्रह्म पत्रिका का संबंध ठीक ना निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी का ठीक ना, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित है, सॉरी नहीं है, यहाँ से आप लोग देखिएगा राम कथा पर ठीक ना आधारित नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, महापरास्थान ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 17 नंबर आप लोग बताइएगा, कह रहे हैं प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद ठीक ना, यहाँ से भी आपका नेगेटिव दिया गया है ठीक ना, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 17 का जो राइट हो जाएगा धर्म ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था ठीक ना, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे ठीक। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ठीक ना, 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बदनी नारायण चौधरी प्रेम घन ठीक ना के आनंद कादम्बनी का प्रकाशन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना 18 नंबर का वो क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर से हुआ था ठीक ना, मिर्ज़ापुर से हुआ था, बहुत बढ़िया भैया ठीक। चलिए 19 नंबर आपको बताना है आखिरी चट्टान तक, ये रचनाकार के बारे में बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश ठीक ना, गजब की आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है ठीक ना, माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं ठीक ना। तो यहाँ से आपको बताना है 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राम ब्रिज बैनीपुरी, बहुत गजब का नाम है ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन हैं। तो जो आपका 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी जी ठीक ना, इसके राइट आंसर होंगे। और 22 नंबर मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना वो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 22 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। चलिए 23 नंबर आपको बताना है कठोरी की बात कहानी अद्भुत है ठीक ना, लेखक हैं। तो 23 आपको बतानी है ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा आज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 आपको बताने हैं ठीक ना, 24 का आप लोग ठीक ना कमेंट बॉक्स में टिपते चलिएगा, और कहीं पे डाउट होगा तो उसको भी आप लोग ठीक ना शेयर कर सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए 24 नंबर कह रहे हैं कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। तो यहाँ से आपको बताना है ठीक ना, इसका 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 वर्ष का समय ठीक ना, यही आपका क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। कबीरवाणी के डिक्टेटर कौन है, तो यहाँ से आपको बताना है ठीक ना, 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बहुत बढ़िया ठीक ना। चलिए 26 नंबर तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन हैं, यहाँ से आपको बताना है ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ये आपका क्या हो जाएगा तिलचट्टा के नाटक हैं। अगला आप 27 नंबर पंक्ति के बारे में पढ़िएगा, कह रहे हैं उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है।
तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छाए हुए हैं, ठीक ना, तो यही इनके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 और 29 आपको बताना है। कह रहे हैं एक कहानी यह भी है आत्मकथा की लेखिका है, ठीक ना, तो आपको 28 नंबर बताने हैं। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मन्नू भंडारी, ठीक ना, इसके राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से बताया है, तो यहाँ से आपको बताना है कि 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गद्य काल के नाम से, ठीक ना, इन्होंने सुशोभित किया है। चलिए 30 का आपको और 31 को आपको, ठीक ना, फटाफट बताने हैं। कह रहे हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में से नहीं है, तो यहाँ से आपको बताना है, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का उससे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मलुकदास जी, ठीक ना, इसके राइट आंसर होंगे। 31 आपको बताना है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताने हैं, ठीक ना, 31 का आप जानते हैं कि 1900 ईस्वी में, ठीक ना, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। 32 को आपको बताना है। कह रहे हैं किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिचंद से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपको बताना है वो क्या हो जाएगा, डी, ब्रह्म, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्म, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी आपका, ब्राह्मण पत्रिका से इनका कोई भी संबंध नहीं है। चलिए तो आपको 33 नंबर बताना है। कह रहे हैं कि रचना रेखांकित है, तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से, ठीक ना, है। 33 का जो राइट आंसर, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आप फटाफट पढ़ते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, पथ के साथी। और आप लोग, ठीक ना, एक विशेष ध्यान दीजिए, कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए, कम से कम ये तो पता चले, ठीक ना, कि इस टेस्ट में आप कितने, ठीक ना, अंक प्राप्त कर पा रहे हैं और अपने आप को जज भी कर पाएंगे, ठीक। चलिए 34 नंबर, ठीक ना, चौंतीस नंबर आपको बताना है मूर्धिया किस लेखक की आत्मकथा है, ठीक ना, तो इसको आपको बताना है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तुलसीदास जी की, ठीक ना, है। चलिए 35, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 35 में आपको, ठीक ना, बताना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक ना, तो लेखक के बारे में आपको बताना है, गजब की पंक्ति है, तो इससे आप लोग परिचित भी होंगे, ठीक ना। 35 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं खटाखट। चलिए 36 का मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्त के बारे में बताना है, प्रवृत्ति के बारे में आपको बताना है, ठीक ना, तो यहाँ से देखिएगा 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 37 और 38 आपके सामने हैं। कह रहे हैं प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं, तो यहाँ से आपको बताना है, ठीक ना, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुबेर नाथ राय जी, ठीक ना, इसके राइट आंसर। 38 कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, तो इसके आपको, ठीक ना, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मतीराम जी हैं, ठीक ना, सी है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो 39 आप बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़िएगा और उसके बाद में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 39 का, ठीक ना, क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है, तो यहाँ से आपको ये भी सेंटेंस में ध्यान रखना है, नहीं का जिक्र किया गया है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्मा जी हैं, रामचंद्र, ठीक। और 39 आपको बताना है, एक आपको पंक्ति दी गई है जो कह रहे हैं तुलसीदास जी हैं। कह रहे हैं कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की,
कला, तो यहाँ से आपको आंसर इसका बताना है, ठीक ना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ठीक ना, इसके राइट आंसर। चलिए 31 आपको बताना है, एक छोटी सी पंक्ति दी गई है, कह रहे हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ठीक ना, इस पंक्ति को किसने लिखा है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी ने, ठीक ना, गजब की पंक्ति लिखी है। चलिए 42 आपको बताना है, 42 में कह रहे हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो प्रेम पर प्राण निछावर, इस पंक्ति के रचयिता के बारे में आपको बताना है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका सी हो जाएगा, ठीक ना, त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश। चलिए 43 का आपको बताना है, वह सफ़र था, ठीक ना, कह रहे हैं वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, पुष्पा जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, 44 का आपको बताना है, तो 44 आप बताइएगा, ठीक ना, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें एक आपको गलत, ठीक ना, गलत दिया गया है वो आपको ढूंढना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतया विकसित होती है, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। चलिए 45 और 46 आपको बताने हैं, फटाफट बताते चलिए। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंजाबी से, ठीक ना, पंजाबी से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना, 36 का, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक ना, उपभाषाएं हिंदी की कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे। चलिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, खैर जी इसके, ठीक ना, राइट आंसर होंगे। चलिए 48 आपको, खैर जी इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 48, ठीक, 48 का जो राइट आंसर होगा, कह रहे हैं वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद करता है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक, बी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 49 नंबर यहाँ से आपसे कह रहा है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। तो ये कह रहे हैं कि सरल से, ये आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जटिल से, ठीक ना, ये सरलता की ओर चलती है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत जटिल थी, उसके बाद हिंदी आई, उसके बाद, ठीक ना, आप उसका परिवर्तित रूप गांव देहात में जो बोला जाता था। चलिए आप 50-50 हमारे पूरे होने वाले हैं क्वेश्चन, इसका जो आप लोग राइट आंसर होगा, ठीक ना, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, तो ये आपको बताना है इस देश में, ठीक ना, मतलब इस नहीं है, वहाँ पे किस लिखा है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के रूप में किया जाता है। तो इसका, ठीक ना, मॉरिशस में, ठीक ना, अपने ही इंडिया के जैसा वहाँ पे भी माहौल है लिखने और पढ़ने जैसा हिंदी का। चलिए 51 नंबर आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक ना, 51 नंबर में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो 51 नंबर में आप देखिएगा, कह रहा है कि विभाषा एक प्रांत या, ठीक ना, डाट डाट प्रचलित है, तो इस ये सिंपल, ठीक ना, आंसर है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपभाषा इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस आप जानते हैं कि राम जी की बात की है और राम जी अयोध्या से है, ठीक ना, तो ये इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, अवध, ठीक ना, अवधी भाषा। और जब भी कृष्ण जी का, तो आप जानते हैं वृंदावन से हैं, तो क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा का जिक्र करेगा।
हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे उधर आपका क्या हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, ठीक ना, झांसी हो गया, तो वहाँ सब कौन सी, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बुंदेली। चलिए 54 और 55 का, ठीक ना, राजमती निम्न में से किस काव्यकृत की नायिका हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा, रासो जी, ठीक ना, इसके राइट आंसर होंगे। अगला जो आपका है 55 में आपको बताना है, कह रहे हैं कि काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, ठीक ना, तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन मीराबाई जी नहीं लिखी हैं, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रेम तत्व निरूपण, ठीक ना, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन के खूबसूरती के साथ मिलाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 56 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है, ठीक ना, तो यहाँ से आप देखिएगा नहीं का जिक्र किया है, तो उसमें से आपको अलग करना है, 57 का, ठीक ना, जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, थोड़ा स्पीड में हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सूर समाना चंद्र में दहू किए घर एक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि ये पंक्ति किसके द्वारा, ठीक ना, तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो क्या, कबीरदास जी हैं। चलिए 59, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपको पता है कि इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता। चलिए ठीक, 60 का, शुद्ध आपको वर्तनी के बारे में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक ना, अधीन, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यथाविधि में कौन सा समास है, तो ये सब, ठीक ना, एकदम बहुत हलवा टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक ना, आप जानते हैं जिसमें प्रत्यय लगा के बनाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, अव्ययीभाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन 62 का जिक्र करते हैं, ठीक ना, इसका आप लोग बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, और आपका 63 में आपको बताना है ज्ञानदीप के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शेख नवी जी हैं, ठीक ना, और ये कह रहे हैं हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक ना, ये 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नामदेव जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 64, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को, ठीक ना, प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समान चाहिए, ठीक ना, इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक ना, 64 का बी आपका क्या होगा, शुक्ल जी हैं, इसका राइट आंसर। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध टूट फूट स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये आप जानते ही, गांव देहात में जो बोली बोली जाती है, ठीक ना, वो सारी चीज़ें, सॉरी, इसका जो 58 का होगा अर्धतत्सम, सही, ठीक ना, कुछ और ही हम सोच रहे थे, ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अर्धतत्सम, जो पूर्णतः संस्कृत से निकले हैं वो तत्सम होते हैं। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ से आपको नहीं बताना है, ठीक ना, ठीक ना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, सुरभोग, इसका जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा।
चलिए 67 का आपको बताना है आंसर। 67 कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अदिति, ठीक ना, ये क्या होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 और 69 के बारे में आपको बताना है, कह रहा है कि गण के बारे में बताना है, तो आप जानते हैं छंद, ठीक ना, तीन वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गण कह देते हैं, ठीक ना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपका होता है याद करने का, या माता राजभान सलगा, इसका जो होता है वो, ठीक ना, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए, तीन वर्णों के समूह को ही, ठीक ना। चलिए 69 आपको बताना है कि अलंकारों के बारे में, महत्व के बारे में पूछा गया है कि कौन सा आपका क्या है, ठीक ना, कथन आपका गलत है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ठीक ना, ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक, ये आपका गलत जवाब होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो 69 का सी। चलिए कह रहे हैं कौन सा अलंकार का भेद नहीं है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि शब्दा और अर्था और उभया, ठीक ना, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, छंदा अलंकार, ये कोई अलंकार नहीं होता। प्रज्ञ में उपसर्ग आपको बताना है, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 71 का आपका बी आंसर हो जाएगा, पर जो आपका होगा, ठीक ना, वो राइट आंसर होगा। अब कह रहे हैं अप उपसर्ग, ठीक ना, लगा के आपको, ठीक ना, प्रयुक्त शब्द बनाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अपमान होता है, अप राम नहीं होता है, अप जय नहीं होता है, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें। चलिए 73 का आपको बताना है कि, ठीक ना, इसका संबंध किससे है, किस ग्रंथ से है, तो कह रहे हैं रसोवेश, ये आपको बताना है कि ग्रंथ के बारे में, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक ना, फटाफट पढ़ते रहिए, उपनिषद से, ठीक ना, ये तैयार किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 74 का जिक्र करते हैं, 74 में कह रहे हैं वाक्य में जिसके विषय में कहा गया है वह, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य का जिक्र किया गया है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 का जिक्र करते हैं, 76 आपके सामने हैं, कह रहे हैं पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। भेड़ा, कारक के भेद आपको बताने हैं, तो ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक ना, तो कारक के जो भेद हो जाते हैं वो कितने होते हैं, 8 आपको पता है। लुप्त स्वर कौन सा है, ठीक ना, 77 का आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका ए होगा, ओम जो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक। कह रहे हैं संधियां तीन प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, अनुसार कोई चीज़ नहीं होती है। चलिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, मेरे भाई 5 प्रकार की होती है, ठीक ना। 80 नंबर आपको बताना है, 80 नंबर में क्या हो जाएगा, एक वचन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेल जो आपका है वो क्या है, एक वचन है। आपको विशेषण के बारे में बताना है, तो विशेषण आप बताइएगा, ठीक ना, इसका जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्म, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा दिया गया, फैन दिया गया, भ्रम दिया गया है, ठीक ना, तो ये सब नहीं होंगे, विशेषण आपसे पूछा है, ठीक ना, तो विशेषण जो आपका होगा वो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, छम में इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्याकरण काल के बारे में बताना है, ठीक ना, काल का अर्थ आप क्या होता है, तो वो चीज़ आप जानते हैं, जैसे अंग्रेजी में टेंस को समय कहते हैं, वैसे यहाँ पे काल को, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समय। सर्वनाम के भेद के बारे में जिक्र किया गया है, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपको पता है कि क्या होता है, सर्वनाम का जो भेद होता है वो 6 होता है, ठीक। संज्ञा का जो भेद होता है वो 5 होता है, ठीक ना। कारक आप जानते हैं 8 होते हैं,
तो इस तरीके से दोहा छंद में यति का प्रयोग किया जाता है। तो दोहा ठीक ना, आप जानते हैं कि यति जो लगाया जाता है वो ठीक ना, जहाँ चरण खत्म हो जाते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक ना, तो जहाँ पे आपका ठीक ना रहमन पानी राखिए, ठीक ना, तो ये आपका एक चरण हो गया। तो जो लास्ट में ठीक ना, जहाँ पे आप रुक जाते हैं, ठीक ना, रहमन पानी राखिए बिन पानी संसून, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, जहाँ पे आपके चरण ख़त्म होते हैं वहीं आपका क्या होता है, यति लगता है। गति होती है, लुक होता है, यति होती है, ठीक ना, तो यति यहाँ पे पूछा गया है। चलिए, तो आपका ठीक ना 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 85 के बारे में आपको बताना है कि 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है। अब आह हो, बाप रे हो, वाह हो, ठीक ना, तो ये सब आपको पूछा गया है, वाक्य में है, तो ये आप जानते हैं कि ठीक ना 86 का जो होगा वो क्या हो जाएंगे, ये सब संबोधन हैं जो कि किसके, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। चलिए, 87 में आपको बताना है ठीक ना कौन सा सब तद्भव नहीं है, तद्भव के बारे में बताना है, तो आप जानते हैं कि जिसके ऊपर ये चांद वाला चंद्रबिंदी होता है, तो ये सब तद्भव के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, आधीर ये आपका क्या है, तद्भव नहीं है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक ना, इसके बारे में आपको बताना है। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आना जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए भली भांति से, ठीक ना, तीन, ठीक ना, ये आपके क्या होते हैं, कर्ता कर्म भाव, ठीक। अगला एक आपको पंक्ति दिया गया है, ठीक ना, ये पढ़ के आपको ठीक ना आंसर आपको देना है, टाइम को भी ध्यान में रखना है, ठीक ना, इसलिए आप लोग ठीक ना वीडियो को रोक के आराम से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा, हम ऑप्शन आप टिक लगवा दे रहे हैं। कह रहे हैं, कमल आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं। तो ये दिया गया पंक्ति है कुछ इस तरीके से, 90 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसलिए आप लोग ठीक ना वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। और कह रहे हैं कि पद्यांश में कौन सा काव्य गुण के बारे में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक ना, ओज गुण के बारे में। अगला जो आपका ठीक ना चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना 92 का इसका जो राइट आंसर होगा वो इतिहास के बारे में जिक्र किया गया, डी आपका। गद्यांश में साक्षी किसे माना गया है, तो ठीक ना, तो साक्षी किसे माना गया है, आप लोग ऊपर पढ़ेंगे तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीर, सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सूर्य चंद्र भूगोल, ठीक ना, खगोल। अगला कह रहे हैं, उचित शीर्षक के बारे में आपको बताना है, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ए इसका क्या हो जाएगा, कलम आज उनकी जय बोल, ठीक। संज्ञा शब्द के बारे में आपको बताना है, तो संज्ञा 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक, सी आपका क्या होगा, राइट आंसर। कह रहे हैं, अरुण का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पे ठीक ना समानार्थी नहीं है, ये चीज़ें आपको बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, बिंबा फल, ठीक। अगला जो आपका अज्ञ का अर्थ, ठीक ना, अज्ञ का अर्थ आपको बताना है, नहीं है सॉरी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या मतलब जो सबके बारे में जानकारी हो और जिसको कुछ ना हो वही आपका अज्ञ होता है। चलिए, 98 एक आपको दिया गया है, ठीक ना, इसके बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं कि लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है दिए गए विकल्पों में से, ठीक ना, आपको बताना है कि क्या है, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
लोकोक्ति इसका सही आंसर होगा। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। अभिज्ञ का विलोम आपको बताना है, तो अभिज्ञ का जो विलोम होता है 99, वो आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब सो आमरण में कौन सा समास है, तो आमरण में अव्ययी भाव समास है। चलिए मेरे साथी, मेरे दोस्त, इस तरीके से ठीक ना, हमने क्या किया, 100 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में थे, हमने कंप्लीट उसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो जितना जिसका ठीक ना स्कोर है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना, और कोई सुझाव भी होगा तो उसको आप लोग ठीक ना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।